नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों इंडेक्स की आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली देखिए, जैसा मैं आप लोगों को कंटिन्यू में बता रहा था कि मैं मार्केट को मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। आपको देखिए, मैंने जो एनालिसिस करके बताई थी फ्राइडे के सेशन में, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बताया था कि देखिए मार्केट में गिरावट आ सकती है क्योंकि मार्केट में एक डाउनफॉल पेंडिंग है, एक करेक्शन पेंडिंग है। सो मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताई थी, निफ्टी की भी बताई थी और बैंक निफ्टी की भी बताई थी। और आपको ये भी चीज़ बताई थी कि अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपके टारगेट बहुत छोटे होने चाहिए और अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके टारगेट बड़े होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट में हम अभी चलेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसके जो हाई और लो लगे हुए हैं। तो हाई देखिए जो आज लगा है अभी 32,439 का लगा है। जो हाई था वो हाई ही रह गया, उसका दोबारा कभी टच करने बैंक निफ्टी वहां पर नहीं गया। और जो लो लगा है वो 31,657 का। तो मींस यहां पर आप देख सकते हैं 700 से 800 पॉइंट्स के बीच यहां पर इन बिटवीन बैंक निफ्टी ने यहां पर मूव किया है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को एक इस तरह से ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि देखिए अभी हम फिलहाल इसके ऊपर हैं और यहाँ पर अगर बाउंस बैक होना है तो ये परफेक्ट जगह है बाउंस बैक होने के लिए। दूसरा देखिए, ये मैंने एक ऊपर से आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करके बताई थी कि अगर हम बाइंग कहाँ करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। और देखिए दूसरा लेवल मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जब यहाँ पर हम 32,400 के ऊपर क्लोजिंग होना शुरू कर देंगे फिर हम यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर पहली कैंडल में ही बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी और पहली कैंडल के बाद जो है जो हाई लगा इस हाई को बैंक निफ्टी दोबारा टच करने के लिए नहीं गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था, निफ्टी के भी चार्ट पोस्ट किए थे और बैंक निफ्टी के भी चार्ट पोस्ट किए थे। और वहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मतलब बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हो सकती है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। उम्मीद करता हूँ कि उस चार्ट के थ्रू आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे और शुरू से लेकर एंड तक जो है हम डाउनफॉल में ही रहे। देखिए यहाँ पर एक बार हम जरूर यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक होने की कोशिश की थी हमने, बट यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक नीचे की मूवमेंट आ गई। अब देखिए यहाँ पर, तो चलिए जो हुआ हुआ, मैं आप लोगों को जो चीज़ें टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करके बताता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ, बिल्कुल देखिए मेरे चार्ट में जो आप लोगों को भेजता हूँ वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता होगा कि अभी आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉपर लेवल चाहिए तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में। वहाँ पर देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अलाइस ब्लू में या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करिए, उसके बाद आपको जो है इंट्राडे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए फाइनली यहां पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो थी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन फाइनली देखिए ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू नीचे की तरफ गए। देखिए यहाँ पर हमारी जो परफेक्ट एंट्री थी वो कहाँ पर थी, ये जो ट्रेंड लाइन जो 15 मिनट का पहला कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, जब इसका डे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री थी। इसके बाद मैंने भी काफ़ी यहाँ पर ट्रेड लिए और अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी यहाँ पर काफ़ी ट्रेड दिए थे और फाइनली यहाँ पर जो है बहुत अच्छा ही आज एक दिन था। चलिए अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमको आने वाले टाइम में या फिर कल के सेशन में हमको किस तरह से करना है। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर अगला जो सपोर्ट है ये देखिए, ये जो कंटिन्यू का रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल है हमारा 31,500 के आसपास है। तो 31,500 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू देखिए ऊपर की तरफ। अब देखिए अगेन जो है इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब कल को क्या करना है, कल देखिए अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के साथ आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वहाँ पर आपको वेट करना है। वेट देखिए क्या हम करेंगे, वेट हम करेंगे अपने लेवल के पास आने का। 31,500 के पास आने के बाद यहाँ से कुछ बाउंस बैक हो सकता है, इस चीज़ की उम्मीद है। बट अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपके टारगेट बहुत छोटे होने चाहिए और अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके टारगेट बड़े होने चाहिए। देखिए कल ही मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमको बैंक निफ्टी जो है साइन दे चुका है क्योंकि यहां पर कैंडले बड़ी बड़ी बन चुकी हैं। जब मार्केट में कभी भी बड़ी बड़ी कैंडले बनती हैं तो वहां पर एक देखिए एक साइन होता है कि मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। सो देखिए आज बिल्कुल सेम निफ्टी बैंक में वही हुआ, यहां पर बड़ी बड़ी कैंडले हमको पहले मिल चुकी थी, साइन हमको पहले मिल चुका था कि यहां पर गिरावट हो सकती है। सो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। अब यहां पर देखिए कल हमको किस तरह से ट्रेड करना है, अब हमको वेट करना है 31,500 के लेवल का। मान लीजिए कल यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है क्योंकि 31,678 के आसपास बंद है, 100-200 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। सो मान लीजिए अगर यहां पर 31,500 के आसपास यहां पर आपको मिलता है तो एक छोटे से टारगेट के लिए आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए 31,500 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दूसरा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो यहां पर आने के बाद बैंक निफ्टी एक बार यहां पर बाउंस बैक करने के लिए जाएगा, चाहे वो 100 पॉइंट जाए, चाहे 200 पॉइंट जाए, चाहे 300 पॉइंट जाए, बट यहां पर 31,500
500 के पास आने के बाद एक बार यहाँ पर बाउंस बैक के लिए जाएगा। सो 31,500 के पास अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर बाइंग के लिए देखना है, और अदरवाइज अगर 31,500 का लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर वेट करना है कम से कम एक 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने का, कि वो 5 मिनट की कैंडल 31,500 के नीचे क्लोज करे। उसके बाद हमारा जो टारगेट होने वाला है वो 31,330 का होगा, और अगला टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा 31,150 का। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, जो मैंने कल आपको बताया था कि हमको जो टारगेट दिए थे सेलिंग के लिए वो मैंने आपको दिया था 31,850 का, तो फाइनली यहाँ पर 31,850 का यहाँ तो 31,650 भी देखने को मिल गया। अब फाइनली देखिए ऊपर की तरफ हमको किस तरफ बाइंग करनी है, किस तरह से बाइंग करनी है वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, मैं नीचे की ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ और ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होते मीन्स, या फिर हम जब तक हम 32,300 के ऊपर क्लोज नहीं होते तब तक हमको बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। एक बड़े टारगेट के लिए अगर आप जा रहे हैं बाइंग करके तो यहां पर 32,300 के ऊपर निकलेगा तब हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे। अब हम यहां मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद जब तक 32,300 का लेवल नहीं निकलेगा बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। फिलहाल अभी 31,500 के लेवल के आसपास ही सिर्फ बाइंग करनी है, यहां से कुछ बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, तो ये था गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग। अब मान लीजिए यहां पर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, फ्लैट ओपनिंग होगा तो बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद यहां पर 31,650 का लेवल निकलेगा तो हमको यहां पर क्लियर कट 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम निफ्टी की, अब निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं हम यहां पर। अब देखिए निफ्टी में भी मैं आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके बताई थी, और बताया था कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन, देखिए ये चीज बताई थी कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा नीचे की तरफ यहां पर भी एक हमको जो है बहुत शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट प्लेस पे खड़ा है यहां पर ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर इसको बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल यहां से बिल्कुल एक अच्छी जगह है बाउंस बैक होने के लिए, अगर बाउंस बैक होना है तो। और दूसरी चीज मैंने आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस तरह से बताई थी कि देखिए अगर आप उस लेवल में आप बाइंग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है इसको मैं रेड कलर कर देता हूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनली देखिए मैंने बताया था कि जब तक ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक आपने बाइंग के लिए नहीं जाना है। हाँ, अगर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाए तो यहां पर जो है सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद देखिए निफ्टी कंटिन्यू नीचे की तरफ चले गया। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन और यहां पर ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा जो फाइनली यहां पर हमको मिला था। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए मैंने ड्रॉ की है, और ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी दिया था और बताया था कि देखिए ये जो लेवल है ये यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, यहां से बाउंस बैक हो सकता है। सो फाइनली देखिए इस बाउंस बैक का फायदा हमने भी उठाया, अपने क्लाइंट्स लोग को भी दिया, इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में भी मैंने यहां पर कॉल बाइंग के लिए दी थी और पुट सेलिंग के लिए दी थी। तो फाइनली यहां पर देखिए हमने यहां पर 140 के आसपास हमने यहां पर बाउंस बैक किया और काफी अच्छा बाउंस बैक रहा ये। और यहां पर देखिए हमने निफ्टी में आज मैंने जो ट्रेड किए वो मैंने 8 से 9 ट्रेड किए, और 9 ट्रेड में 9 के 9 प्रॉफिटेबल थे। बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हुआ था बट निफ्टी में 9 के 9 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थे। तो फाइनली निफ्टी देखिए जो ट्रेंड था इसका डाउन ट्रेंड था ये, यहाँ पर देखिए बाउंस बैक के बारे में मैंने बताया था कि देखिए जो भी सपोर्ट होता है वहाँ से कुछ ना कुछ, देखिए 100 पॉइंट हो 50 पॉइंट हो बट वहाँ से एक बार बाउंस बैक जरूर होता ही होता है। तो यहाँ पर फाइनली हमको जो बाउंस बैक मिला वो 140 पॉइंट्स का मिला, इस 140 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर अपने 3 ट्रेड बनाए, और फाइनली यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन ट्रेंड था वो अभी भी देखिए बेयरिश है। अब यहाँ पर देखिए कल को क्या हो सकता है, किस तरह से हमने ट्रेडिंग करनी है। तो फाइनली अब हमारे पास जो अगला सपोर्ट है हम उस सपोर्ट के आसपास ही खड़े हैं, हम 14,220 का लेवल जो है 14,220 का लेवल एक यहां पर सपोर्ट की तरह यहां पर रिएक्ट करेगा, और दूसरा ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, अब मैं सारी पिछली ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूं और आप लोगों को यहां पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए अब हमने यहां पर बाइंग कहां करनी है, सेलिंग कहां पर करनी है। देखिए मे बी अगर यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करती है, 14,220 का लेवल ब्रेक करती है, तो यहां पर हमारा जो टारगेट होगा वो 14,140 का होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा हमारा यहां पर 14,050 के आसपास का होगा। तो लेवल ध्यान से सुन लिया करिए। देखिए बैंक निफ्टी में आज बहुत इजी मार्केट थी पैसा बनाने के लिए, और फाइनली आज जो है हमने पैसे भी बहुत अच्छे बनाए, हमारे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं सब ने बहुत अच्छे पैसे बनाए, क्योंकि मार्केट ही ऐसी थी कंटिन्यू एक डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से जब मार्केट चली तो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में चली, यहाँ से जब ऊपर की तरफ गई तो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में गई, ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है तो एक डायरेक्शन में, मीन्स मतलब जो डायरेक्शनल मूव होती है वो बहुत अच्छा पैसा बनाकर यहाँ पर देती है। तो फाइनली अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर नीचे
नीचे की तरफ मूव करता है तो 14,220 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अब देखिए गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। मान लीजिए यहां पर 14,230 की यहां पर क्लोजिंग आई है, गैप अप ओपन हो जाता है कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास 14,320 14,330 के आसपास, तो ध्यान रखिएगा ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा और यहां से हम जो है एक बार फिर नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब हमको देखिए बाइंग कब करनी है, बाइंग हमको सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही करनी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो के ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना दे दे या दूसरा जब तक ये लेवल 14,410 का लेवल ना निकल जाए तब तक ऊपर हमको बाइंग के लिए अभी नहीं जाना है। फिलहाल देखिए अगर कोई सिनेरियो मिलेगा, कोई ऐसा जैसे आज हमको सिनेरियो मिला था बाउंस बैक का, जो हमको 140 पॉइंट का बाउंस बैक मिला निफ्टी में, सो वैसा अगर कोई मेरे को बाउंस बैक का कोई सिस्टम मेरे को दिखेगा, कोई ऐसा सिनेरियो मेरे को दिखेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करके बता दूंगा, जैसे मैंने आज बताया था और जैसे मैं कंटिन्यू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताते रहता हूं। सो यहां पर गैप अप में यहां पर अगर ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो यहां पर सेलिंग के लिए देखना है। गैप अप में अगर आपको ये लेवल के 14,400 410 के आसपास मिलता है तब भी यहां पर सेलिंग के लिए देखना है। 14,410 के ऊपर ही बाइंग करनी है, अदरवाइज अभी इसमें बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, अभी भी हमको यहां पर सेलिंग के लिए ही चलना है। सो 14,000 ये एक ट्रेंड लाइन, देखिए आप ध्यान से सुन लीजिए बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास जाएगी तो हमको सेलिंग करना है और 14,400 या 14,010 के पास जाएगी तो हमको सेलिंग करना है। बाइंग कब करना है, बाइंग के लिए बता देता हूं मैं। अगर यहां पर देखिए जिस लेवल पे खड़ा है अभी 14,220 के लेवल पर, यहां पर देखिए कोई यहां पर डोजी कैंडल बनाने के बाद या फिर यहां पर कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो मे बी हम वहां पर 30 से 40 पॉइंट्स के मूव के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अभी जो है निफ्टी में एक डाउनफॉल ही हमको दिख रहा है, सो ट्रेड जो है यहां पर अलर्ट होकर करिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत शार्प गिरावट आती है और जब मार्केट में तेजी आती है तो वो चीज धीरे धीरे चलती है, बट जो गिरावट होती है वो बहुत तेज आती है। सो इसी का ध्यान रखकर चलिएगा, मार्केट में कल भी हो सकता है कि डाउनफॉल रहे, डाउन ट्रेंड का मूड रहे मार्केट का, सो देखकर चलना है। चलिए बाकी चीजें मैं सारी आप लोगों को लेवल्स वगैरह जो भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फाइनली बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए जो भी आज बैंक निफ्टी में स्टॉक्स रहे, फाइनली ज्यादातर तो स्टॉक्स नीचे की तरफ ही रहे, सिर्फ एक HDFC बैंक ही ऐसा था जिसने बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया, सहारा दिया। अगर HDFC बैंक भी नीचे की तरफ जाता तो बैंक निफ्टी में और ज्यादा गिरावट आ सकती थी। अब फाइनली यहां पर देखिए जो ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है, अब इसके आसपास कहीं एक्सिस बैंक आ चुका है। सो यहां पर देखिए अगर यहां पर 650 का लेवल ब्रेक होता है तो कल हम यहां पर 640 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक, तो बंधन बैंक ने फाइनली यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था। दूसरा हमारे पास देखिए एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल भी देखिए मैंने आपको बताया था कल कि अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो यहां पर हम जो है सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अब अगेन देखिए कल भी हमको यही करना है, कल अगर 350 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा यहां पर जो टारगेट रहेगा वो तो 340 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक, एक HDFC बैंक ही ऐसा स्टॉक था जिसने आज बैंक निफ्टी को संभाले रखा या फिर मतलब गिरने नहीं दिया, या गिरा तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं गिरने दिया, क्योंकि देखिए HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी में। So, बैंक निफ्टी देखिए इसी के बेस पर चलता है। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया और अपना इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, तो ये तीन चार बैंक जो है ज्यादा सपोर्ट देते हैं या फिर जब गिरते हैं तो बैंक निफ्टी को ले डूबते हैं। तो अब यहां पर देखिए फाइनली अब हमको यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। कब जाना है, 1,505 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर। अगर HDFC बैंक कल 1,505 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम वहां पर जा सकते हैं। टारगेट हमारा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टारगेट हमारा 1,515 या 1,525 के अंदर अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक, तो ICICI बैंक ने देखिए फाइनली मैंने यहां पर बोला था कि एक सपोर्ट एरिया है, मे बी यहां से बाउंस बैक हो सकता है, बट यहां से देखिए बाउंस बैक नहीं हुआ। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। कल देखिए अगर यहां पर लेवल ब्रेक होता है 530 का तो हम यहां पर 525 और यहां पर 520 का लेवल यहां पर कल देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक भी देखिए फाइनली यहां पर ऊपर की तरफ क्लोज नहीं दे पाया। अगर मैं ट्रेंड लाइन को इसको इस यहां से लेकर के अब देखिए मैं ट्रेंड लाइन को इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इसका अप मूव यहाँ पर कंटिन्यू किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास ही है, इसके सपोर्ट लेकर ही खड़ा है। बट यहाँ पर कल अगर 920 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर कल 910 और 900 का लेवल भी देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी इस टाइम थोड़ा वीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों वीक हैं। क्यों वीक है वो मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा एक देखिए यहाँ पर बंप हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई पे हाई लग चुके हैं, नए नए हाई लग चुके हैं, सो यहाँ पर एक करेक्शन बाकी है। कल मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को स्पेशल
मैंने यहाँ पर टाइप करके भी बताया था कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में करेक्शन बाकी है, करेक्शन पेंडिंग है, वहाँ पर एक करेक्शन हो सकती है, सो अलर्ट होकर ट्रेड करना है। सारी चीज़ें देखिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट है कि हमारा कोटेक बैंक, तो कोटेक बैंक देखिए मैं यहाँ पर बता रहा था जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी कि मैंने बताया था कि अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद ये भी हमारा जो टारगेट है वो 1810 के आसपास है। तो फाइनली आज जो हमने लो लगाया है वो लो लगाया है 1838 का। अब कल अगर हम 1838 को ब्रेक करते हैं तो कल हम 1810 को, कल कल ही हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे 1810 को, क्योंकि यहाँ पर 1810 ही इसके लिए सपोर्ट है। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो 1800 या 1810 के आसपास आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक देखिए यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अब कल एक जरूरी है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बने या फिर कोई हैमर कैंडल बने। अगर यहाँ पर इस तरह कोई कैंडल नहीं बनती है और आज का लो ब्रेक होता है, मीन्स 242 का लो ब्रेक होता है, तब हम क्लियर कट यहाँ पर जो लेवल देखेंगे वो 230 का देखेंगे। 230 के बाद यहाँ पर 215 का लेवल हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनली अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आ चुका है, या फिर हम कह दें कि बिल्कुल आस पास में ही है। अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर कल 290 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक में भी एक जो है मंदी देख सकते हैं। 280 का टारगेट हम कल देख सकते हैं अगर 290 के नीचे क्लोजिंग आ गई। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ जो चार्ट मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ वो चार्ट आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में आपकी मदद करते होंगे, या फिर मान लीजिए आप कोई गलत ट्रेड एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको बचाते होंगे कि नहीं अभी हमको इस चीज़ इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि देखिए चार्ट यहाँ पर सब कुछ बोलता है, सब कुछ बताता है आपको। और फाइनली यहां पर देखिए आज जो मैंने बैंक निफ्टी में सवेरे 5 से 6 ट्रेड लिए थे वो मैंने अपने सेटअप के ऊपर लिए थे। जो मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट में देखिए चार्ट है, उस चार्ट में जो है सिग्नल है, यहां पर आपको बता देगा कि इतने पर अब बाइंग बनती है, यहां पे बाइंग करनी है, यहां पर इतने पे सेलिंग है, अब यहां पर सेलिंग करनी है, ये डिमांड जोन है या फिर ये सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब वहां पर सारी चीजें कंटिन्यू वहां पर फ्लैश होने लग जाएंगी, लिख कर आ जाएंगी। और यहां पर जो है मतलब आपको लेवल भी साथ के साथ आ जाएंगी, बाइंग इस तरफ करनी है। उस प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, काफी अच्छा वर्क कर रहा है वो, स्पेशली मैंने इंट्राडे के लिए मैं बनाया हुआ है, उसको मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।